ये देखिए ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही है वो सबसे पहले आपको बता दें, नजर आ रहे होंगे आपको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पहले से ये तय था कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचने वाले हैं घटनास्थल पर, वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त रेलवे के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद है जिनसे वो जानकारी ले रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। मुख्य तौर पर जो वजह सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सिग्नल देने में कोई दिक्कत हुई, लापरवाही हुई, टेक्निकल फॉल्ट था या किसी की मानवीय भूल थी जिस वजह से सिग्नल में कोई परेशानी आ गई। फिलहाल जांच चल रही है, मुख्य वजह क्या रही हादसे की ये तो जांच का विषय है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 233 लोगों की जान चली गई इसमें। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री घटनास्थल पर मौजूद है। रेलवे की ओर से जो मृतक के परिजन हैं उनको 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, वहीं घायलों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। और यहाँ पर यह भी एक जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं, ये भी जानकारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे घटना पर नजर बनाए हुए हैं और रेल मंत्री से उन्होंने बात भी की है, शोक भी व्यक्त किया ट्वीट के जरिए। और बीजेपी ने आज जितने भी कार्यक्रम पहले से तय थे वो सभी स्थगित कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, रेलवे के अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि हादसे के पीछे की वजह आखिर क्या रही होगी, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वजह यह कि जो कई बोगियां हैं जो कि पटरी से उतर गई थी उन बोगियों में कई डेड बॉडीज फंसे हुए हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो कि फंसे हुए और घायल हैं जिनके अंदर अभी जान है, उनको निकालना वहां से बहुत बड़ा चैलेंज है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे बालासोर पहुंच गए हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। ट्रेन हादसे से जुड़ी अपडेट भी आपको दे रहे हैं और इस वक्त देखिए रेलवे के अधिकारी से वो जानकारी ले रहे हैं। ओडिशा में ये भयानक रेल हादसा हुआ, अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, 900 से भी ज्यादा। खुद ओडिशा के मुख्य सचिव ने जानकारी दी है, दुर्घटना स्थल पर एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और ओडिशा के मुख्य सचिव ने खुद बताया कि 2 ट्रेनों के बीच नहीं बल्कि 3 ट्रेनों के बीच में टक्कर हुई है। पहले यह जानकारी आ रही थी, शुरुआती जानकारी कि 2 ट्रेनों की टक्कर हुई है, लेकिन बाद में यह कंफर्म हुआ कि 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई है। एक मालगाड़ी थी, 2 पैसेंजर ट्रेन थी जो कि टकरा गई बुरी तरीके से और तस्वीरें भी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई कैसे मालगाड़ी के ऊपर पैसेंजर ट्रेन चढ़ गई। ये देखिए ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन पहले चल रहा है और दूसरी तस्वीर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत बड़ा यह हादसा है, बताया जा रहा है कि इससे पहले 2004 में इतना बड़ा रेल हादसा हुआ था और अब 2023 में ये बहुत बड़ा रेल हादसा, 233 लोगों की मौत हो गई है, 2 पैसेंजर ट्रेन और ज्यादातर जिन यात्रियों की मौत हुई है वो बताया जा रहा है कि जनरल बोगी में सवार थे, उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, ट्रेन हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है रविशंकर दत्ता, उनका रुख कर लेते हैं। रवि अगर आपको आवाज आ रही होगी तो जरा बताइए, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और रेलवे के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, इस घटना की जानकारी ले रहे हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? हाँ देखिए वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे, रेल के जो अधिकारी है चेयरमैन से वो बातचीत कर रहे हैं, वो उनके साथ उसका बाद क्या स्थिति बने हुए उसका वो जायजा लेंगे। लेकिन आपको एक चीज दिखाना चाहती है, देखिए हम कोरोमंडल एक्सप्रेस के उस पटरी के अंदर है जो पलट गई है, ये देख सकते हैं ये स्टैंडिंग कि यहाँ पे क्या स्थिति बना हुआ है। देखिए इतना जोर का धक्का लगा है, यहाँ पे सारे जो थे ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है और अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। दरवाजा देखिए यहाँ पे जो लोग थे वो अपना तकिया वगैरह सब कुछ छोड़ के यहाँ पे चले गए हैं, आपको दिखाते हैं, देखने से समझ में आएगा आपको। देखिए हर कोई हर बारी में निकला है ये समझ में आ रही है, क्योंकि ट्रेन 6:30 बजी थी जब ये एक्सीडेंट हुआ, जो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो अपना कवर हटा के वो अपना तकिया चादर वगैरह निकाला ही नहीं थे और यहाँ पे ट्रेन इतना जरा धक्का लगता है, खाना यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे अपना सब कुछ छोड़ के वो निकले हड़बड़ी में, वो यहाँ पे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच्चे खेल भी रहे थे, चाइनीज चेकर्स जो है वो खेल भी रहे थे, उसका भी यहाँ पे छोटे छोटे जो नंबर होते चाइनीज चेकर्स के वो यहाँ पे थे, वो भी यहाँ पे फेंक के चले गए, किसी का पैसा गिरा हुआ है,
किसी का यहाँ पे ब्लैंकेट गिरे हुए हैं। दूसरा जो पटरी है वहाँ पे भी हम जाने की कोशिश करते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं। मैं अपना कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सावधानी भर के यहाँ पे, क्योंकि स्लिपरी है और यहाँ पे तार वगैरह खुला हुआ है, तो देख के आइएगा। देखिए ये नजारा, देखिए ये नजारा देखने से पता चलता है कितना भयंकर है। ये रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी है, आप ठीक तरीके से दिखाए हमें, आप थोड़ा दूर से दिखाए ताकि क्लोज जूम ना जाए, आप थोड़ा दूर से दिखाए। ये रेल की पटरी है और ये बोगी के अंदर, हार के अंदर आके ऊपर चला गया। आप फिर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बना होगा। अगर यहाँ पे कोई रहा होगा तब बाथरूम गए होंगे, या तो फिर कोई खड़ा रहा होगा यहाँ पे, तो उनका क्या हालत हुआ होगा।